Hello students, welcome to this session. Today you and I are here to discuss a new chapter, Birdie, Will You Pet? This chapter is of a class 7 DAV board where we will cover all the questions such as hearts, life skill, writing skill and value-based questions. And here is a complete explanation in Hindi. So at first we will discuss the summary of this poem. In this poem, Birdie Will You Pet, a child is tempting a bird to be her pet. यहाँ पे क्या है, एक चिड़िया आकर्षित कर रही है एक बच्चा आकर्षित करिए एक चिड़िया को कि वह उसका पेट बन जाए. और द चाइल्ड ऑफर्स वेरियस कम्फर्ट टू द बर्ड इन एक्सचेंज ऑफ इट्स फ्रीडम. बच्चे ने बहुत सा ऑफर उसको ऑफर कर रहा है सो दैट द बर्ड विल बी चाइल्ड्स पेट. बट द चाइल्ड इज वेरी वाइज. Child reject all the offers given by them. वो चिड़िया सभी ऑफर को रिजेक्ट करती है और वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट ओनली फ्रीडम. द चाइल्ड टेल्स द बर्ड दैट समर टाइम इज फार अवे एंड ऑफर्स हर अ बेड ऑफ अ सिल्कन क्विल्ट, वेलवेट बेड एंड अ सेटिन पिलो. बच्ची यह भी बोलती है गर्मी बहुत दूर है और चिड़िया उसको रेशमी रजाइयाँ, आरामदायक कंफर्टेबल बेड और हियर इज अ मखमल का पलंग और तकिया उसको दे रही है. बट द बर्ड प्रीफर टू स्लिप इन आईवी वॉल. बट वो चिड़िया आईवी वॉल पर सोना पसंद करती है. आफ्टर द रेन व्हेन द सन पीप्स द बर्ड सिंग्स एंड फ्लाइज अवे. क्योंकि वो उसको उतना पसंद है क्योंकि वो चाहती है कि सन के रेज को वो देख सके और वो फ्रीली आकाश में उड़ सके. देन द चाइल्ड ऑफर्स द बर्ड अ नेकलेस मेड ऑफ अ डायमंड एंड अम्बर. उसके बाद फिर से बच्ची एक नेकलेस ऑफर करती है बर्ड को जो बना हुआ रहता है डायमंड का और अम्बर का. Again the bird rejects the necklace too and prefer her feather necklace which it would not sell even for £1,000. फिर से चिड़िया ने उसके इस कॉस्टली और प्रेशियस ऑफर को रिजेक्ट करती है और वो अपने नेचुरल नेकलेस दैट इज अ फीदर जो उसका पंख है उसको प्रेफर करती है और वो ये भी कहती है कि इस नेकलेस को वो £1,000 में भी सेल नहीं करेगी. The child makes another attempt and offer it a silver dish, golden cup, an ivory seat and soft carpet. Child फिर से कोशिश करती है और वो इस समय silver dish चांदी की कोई थाली है प्लेट है वो ऑफर करती है, golden cup सोने का कप और एक ivory seat और एक soft carpet ऑफर करती है. फिर से द बर्ड रिफ्यूजेस ऑल दिस कम्फर्ट लाइक गोल्डन कप आवर सीट एंड सॉफ्ट कारपेट. एंड द बर्ड प्रिफर टू ड्रिंक रनिंग वाटर फ्रॉम द गोल्डन कप. एंड द बर्ड आस्क द क्वेश्चंस दैट कैन द बर्ड कैन ड्रिंक द वाटर इन अ गोल्डन कप, रनिंग वाटर फ्रॉम द गोल्डन कप. क्या वो बहता पानी इस सोने की कटोरी में पी सकती है, चांदी के बर्तन में जंगल नहीं आ सकती है वो. और वो ये भी कहती है कि पेड़ की लताएं सबसे अच्छे और आरामदायक और गद्देदार सीट है. और चिड़िया बच्चे को अलविदा कहते हुए उड़ जाती है. एंड आफ्टर दैट देर इज अंडरस्टैंडिंग द पोएम
In this poem, the child offers various comfort to the bird in exchange of his freedom, but the bird declines them. Complete the chart given below by filling in the blank offer made by the child and the bird's preference over them. Here is यहाँ पर दो बॉक्स बना हुआ है, इन विच देर इज़ अ वन बॉक्स फॉर द चाइल्ड ऑफर्स एंड सेकेंड बॉक्स इज देयर फॉर द बर्ड. व्हाट बर्ड प्रीफर्स, बर्ड क्या चुनती है. इन द फर्स्ट स्टेंजा द चाइल्ड ऑफर्स सिल्कन क्विल्ट, वेलवेट बेड एंड सेटिन पिलो. इसके बदले में उसको क्या पसंद है, आईवी वॉल. उसको बस पसंद है आईवी वॉल. इन द सेकेंड टाइम द बर्ड अगेन ऑफर्स अ नेकलेस ऑफ अ डायमंड स्टोन अम्बर एंड जेट. दूसरे टाइम में वो क्या ऑफर करती है चाइल्ड, एक नेकलेस डायमंड की, स्टोन और अम्बर एंड जेट का बना हुआ नेकलेस. फिर से चाइल्ड उसको रिजेक्ट करती है एंड सी टोल्ड टू द सॉरी द बर्ड टोल्ड टू द चाइल्ड दैट सी इज़ वेरी हैप्पी विद द फीदर नेकलेस. वो बहुत खुश है अपने फीदर नेकलेस से. थर्ड टाइम इट वॉज अ थर्ड अटेम्प्ट एंड द बर्ड सॉरी द चाइल्ड ऑफर्स अ सिल्वर डिश, अ गोल्डन कप, एवरेज सीट एंड सॉफ्ट कारपेट. इस बार सिल्वर डिश ऑफर कर रही है, गोल्डन कप, एवरेज सीट और सॉफ्ट कारपेट. बट अगेन द बर्ड रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड प्रीफर वॉट, रनिंग वाटर, फॉरेस्ट एंड रॉकिंग ट्विंग. एंड आफ्टर दैट the bird say goodbye to the child and flew away. Question number B, in which read the extract given below and answer the question that follows. There is an extract of the poem like that. I would rather sleep in the ivy wall, no rain comes through, though I hear it fall, the sun peeps gay at the dawn of a day, and I sing wing away away. ये एक एक्सट्रैक्ट है पोएम का. इसमें द बर्ड प्रेफर कर रही है कि वो बहुत खुश है आईवी वॉल पर, और उस आईवी वॉल पर नो रेन कम थ्रू, और कोई भी बारिश आती ही नहीं है. और इसके बावजूद व्हाट इज़ दैट, द बर्ड कैन हियर द साउंड ऑफ अ रेनफॉल क्लियरली एंड सी कैन एंजॉय हर सेल्फ. And she also told to the child that the sun peeps gay dawn of a day. और सुबह सुबह में उसको सन की किरणें मिलती है, और वो गाना गाती है, बहुत गाती है, बहुत डांस करती है. And here is the illustrate. The child, so the bird did not accept the offer given by the child. So that who is I in the above line? I refers to the bird in the above line. इसमें I कौन है? I यहाँ पर bird है. Ivy is a plant. What does the bird want to convey by describing it as a wall? The bird want to convey that the wall covered with the ivy plant or natural habitat is a better than silken quilt, velvet bed and satin pillow. आईवी एक प्लांट है, और बट वांट्स टू कन्वे, वो कन्वे करना चाहता है कि एक दीवार जो कवर्ड है आईवी प्लांट से, और वही उसका नेचुरल हैबिटेट है, वही उसका घर है, जो कि बहुत अच्छा है सिल्कन क्विल्ट से, सिल्क की रजाई से, वेलवेट के बेड से और सेटिन के तकिए से. Third question, what was or what does the speaker prefer ivy wall to? Speaker ne prefer ivy wall to, ivy wall ko kiske liye chuna hai, pasand karta hai. The speaker prefers ivy wall to the velvet bed, silken quilt and pillow of satin. द स्पीकर को पसंद है आईवी वॉल. आईवी वॉल मीन्स क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट होता है
दैट ग्रोज ऑन द वॉल। उसको क्या पसंद है? आईवी, आईवी वॉल पसंद है, वेलवेट बेड, सिल्कन क्विल्ट और पिलो ऑफ सेटिन से ज़्यादा। दिस इज द सेकेंड एक्सट्रैक्ट इन विच अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुड नॉट सेल फॉर 1,000 पाउंड। ये अनदर एक्सटेंजा है इन विच द चाइल्ड अगेन ऑफर्स अ नेकलेस ऑफ अ डायमंड, स्टोन, अंबर एंड जेट, बट अगेन द दिस बर्ड रिजेक्टेड द ऑफर एंड ही टोल्ड द चाइल्ड दैट द फिदर नेकलेस इज अ मोर बेटर देन दैट द नेकलेस ऑफ अ डायमंड, अंबर एंड जेट। एंड हियर इज अ बर्ड वुड नॉट सेल दिस नेकलेस फॉर 1,000 पाउंड। और इस नेकलेस को वो बेचेगा भी नहीं 1,000 पाउंड में भी नहीं। सो हियर इज व्हाट इज द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ। जो बच्ची ने ऑफर की थी नेकलेस, वो क्या चीज़ से बना हुआ था? द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड इज मेड अप ऑफ अ डायमंड, स्टोन, अंबर एंड जेट। जो नेकलेस बच्ची दे रही थी वह बना हुआ था हीरे से, हीरे स्टोन से, अंबर से और जेट से। अंबर एंड जेट इज अ स्टोन, इज अ प्रीसियस स्टोन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेकलेस दैट द बर्ड हैज मेड ऑफ। जो नेकलेस बर्ड के पास है, चिड़िया के पास है, वह किस चीज़ से बनी हुई है? द बर्ड हैज़ अ नेकलेस ऑफ अ फीदर, अ नेचुरल वन प्रोवाइडेड बाय गॉड। उसका जो नेकलेस है वो फीदर से बना हुआ है और ये पूरा नेचुरल है जो गॉड ने इनको दिया है। विच नेकलेस डज द बर्ड प्रीफर, वाई? बट किस नेकलेस को प्रेफर करता है और क्यों, किसको पसंद करता है? प्रेफर मीन्स पसंद करना, लाइक करना। द बर्ड प्रेफर्स इट्स ओन नेकलेस मेड अप ऑफ अ फीदर टू द वन ऑफर्ड बाय चाइल्ड बिकॉज इट इज मच डेंटियर देन द डायमंड नेकलेस। बट बहुत पसंद करता है वही नेकलेस, द फीदर नेकलेस, इट मीन्स जो कि गॉड ने इनको दिया है। एंड सी रिजेक्ट, व्हाट इज द बर्ड रिजेक्टेड द ऑफर ऑफर्ड बाय द चाइल्ड दैट इज एंड टोल्ड टू द चाइल्ड दैट दिस नेकलेस, द नेकलेस ऑफ अ फीदर इज मोर डेंटियर, मोर ब्यूटिफुल देन द डायमंड नेकलेस। वो यह भी कहती है कि ये जो नेकलेस है, नेचुरल नेकलेस जो कि फीदर से बना हुआ है, वो उस डायमंड नेकलेस से बहुत ज़्यादा डेंटियर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सेकेंडली, द बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू लूज अ फ्रीडम। और सेकेंड कारण यह है कि वह इस फ्रीडम को छोड़ना नहीं चाहती है। और राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? यहाँ पे आपको राइम स्कीम निकालना है एक स्टेंजा का। सो हियर इज, एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड देखिए, पिट इज अ राइमिंग वर्ड ऑफ अ येट। सो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और येट में भी ए लिखेंगे। और हियर इज अ बेड इज अ रैमिंग वर्ड ऑफ, बेड इज अ रैमिंग वर्ड ऑफ अ हेड। यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे बी लिखेंगे। इट मीन्स द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज ए बी बी। सेकेंड, फाइंड आउट एटलीस्ट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। आपको तीन एग्जाम्पल लिखना है एलिट्रेशन का। सबसे पहले एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ अ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम। यह एक फिगर ऑफ स्पीच है और ये पोएम के स्टार्टिंग में रिपीट होता है और उससे क्या होता है कि म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। सो दैट बाय लिसनिंग द पोएम इट सीम्स वेरी सूदिंग। सो कहाँ कहाँ पर आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए, हियर इज अ थ्रो धो, हियर इज रिपीटेशन ऑफ अ टी एच साउंड। नो रेन कम थ्रो दो आई हियर इट फॉल, फेयर एंड फाइन,
यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड एफ एफ साउंड रिपीट हुआ है, डॉन ऑफ अ डे यहाँ पे रिपीट हुआ है, इट मीन्स हियर इज अ थ्री लाइन सेकेंड सेकेंड एक स्टिंजा सेकेंड एंड टू एंड थ्री वी हैव द पोइट हैज़ यूज एलिट्रेशन टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम हॉर्ड्स. वाई डज द बर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वेरियस ऑफर्स ऑफर्ड बाय द बर्ड. बट क्यों रिजेक्ट करता है सभी ऑफर को, बहुत से ऑफर को जो कि वो बच्ची उसको देती है. द बर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वेरियस टाइप ऑफ द कम्फर्ट बिकॉज सी न्यू दैट ऑल ऑफ देम विल मेक हर अ प्रिजनर फॉर एवर. द बर्ड को पता था कि अगर वो रिफ्यूज़ नहीं करेगी ये बहुत से ऑफर को, बहुत से कम्फर्ट को, तो उसको क्या बन जाएगी, वो प्रिजनर बन जाएगी, इट मीन्स बंदी बन जाएगी, और वो भी कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए. इफ सी वुड एक्सेप्ट ऑल द कम्फर्ट देन सी वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई फ्रीली इन द स्काई. अगर वो सभी कम्फर्ट्स को एक्सेप्ट करती है तो वो फ्रीली आकाश में नहीं उड़ सकती है. ब्लू स्काई विल बी टेकन अवे फ्रॉम हर फॉर एवर, और वो एक पिंजरे में बंद हो जाएगी, और ये जो ब्लू स्काई है उससे बहुत दूर चली जाएगा और वो नहीं आ सकती है. इज फ्रीडम जस्ट द राइट टू लिव एज विश, क्या फ्रीडम आज़ादी एक ऐसा राइट है जैसा हम रह सकते हैं? नो, फ्रीडम डज नॉट ओनली मीन टू राइट टू लिव एज यू विश. फ्रीडम एक ऐसा चीज़ नहीं जिससे हम अपने मन से जैसे रहें वैसे रहें, बट ऑल्सो फ्रीडम टू एक्सरसाइज आवर विश. बट फ्रीडम क्या करता है कि हमारे विश को, हमारी इच्छा को पूरा करता है. लाइक दैट फ्रीडम टू स्पीक, हम कहीं पर भी फ्रीली बोल सकते हैं. एंड पुट फॉरवर्ड आवर व्यूज़, फ्रीडम टू वियर वाट यू लाइक, और हमारे व्यूज़ को, क्या हमारा व्यूज़ है, हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरे को कन्वे कर सकते हैं. एंड We also are free to wear what we like, और हम भी free हैं जो भी कुछ पहनने के लिए. It means that exception from the external control, it means जो हम लोग अगर free हैं, it means that हम लोग को कोई बाहर के control से बांध नहीं सकता है, interference नहीं कर सकता, ना regulations से बांध सकता है हमें. So, but every freedom comes with a duty. इसीलिए हर एक freedom क्या है, duty से आता है. So we must be very punctual to get our freedom. Values. Why does the child call the bird birdie? Why does the child use the word birdie twice? Child ने bird को birdie क्यों बोला है, और उसने यह word birdie दो दो बार क्यों use किया? The child calls the bird as a birdie so as to appear more friendly. Child bird को birdie इसलिए बोल रहा है कि वो more friendly दिखे. और she is trying to lure, वो एक लालच देना चाहती है बर्ड को टू एक्सेप्ट हर ऑफर एंड सेटल डाउन इन द केज टू अ लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस विच द बर्ड वेरी पोलाइटली रिफ्यूजेस. और वो बच्ची चाहती है कि ये जो बर्ड है वो एक पिंजरे में सेटल डाउन हो जाए और सभी तरह के कंफर्ट, सभी तरह का लग्जरीज वो उसको मिले. बट लेकिन बर्ड रिफ्यूज ऑल द ऑफर्स, उसने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया. सी यूज द वर्ड ट्वाइस सो दैट सी कैन अपियर मोर इंटीमेट. उसने बर्ड को दो दो बार यूज़ किया है सो दैट इट सीम्स दैट इट वुड लुक मोर इंटीमेट, बहुत इंटीमेट दिखे. राइटिंग स्किल, हियर इज द पोएम. द चाइल्ड इन द पोएम रियलाइजेज दैट द बर्ड कैन नॉट बी ल्यूर्ड. सी हैज हर ओन प्रायोरिटीज इन अ लाइफ. Freedom is equally important to her. The child decided to share the conversation between her and the child with her friend through a letter. Write a letter in more than 120 words. ये informal letter है. आपको सबसे पहले अपना address लिखना होगा, फिर 2 June 16. After that, dear friend, I hope this letter of mine finds you in the best of health and high spirit. मुझे आशा है कि यह letter से आप बहुत खुश होंगे. और आई वॉन्ट टू शेयर एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विथ यू. और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर सकूँ. आई मेट अ बर्ड इन माई गार्डन.
मैं एक गार्डन में एक बर्ड से मिला, इट वॉज सो प्रिटी दैट आई वॉन्टेड टू कीप हर एज अ पेट, बहुत खूबसूरत थी इसलिए मैं उसे अपना पेट बनाना चाहती थी। आई ट्राई टू ल्योर हर बाई गिविंग मेनी कम्फर्ट ऑफ अ लाइफ, मैं उसे लुभाना चाह रही थी बहुत से कम्फर्ट, बहुत से आरामदायक चीज़ों को दे करके। आई ऑफर्ड हर वेलवेट बेड, सिल्कन पिलो, गोल्डन कप, आइवरी सेट, डिश ऑफ अ सिल्वर विच सी रिफ्यूज वन बाय वन। मैंने उसको ऑफर किया कि वेलवेट बेड पे सो जाओ, सिल्कन पिलो लो, गोल्डन कप में खाइए पीजिए, आइवरी सीट पे बैठिए, सिल्वर सिल्वर के डिस्क में खाइए, और बट द बर्ड रिफ्यूज ऑल वन बाय वन। बर्ड ने सभी ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया। इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मेरे लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। आई इवन गेव हर अ प्रिटी नेम बर्डी, मैंने उसको बहुत प्यार से बोर्ड बर्डी भी बोला, बट सी वैल्यूड हर फ्रीडम, उसने अपने फ्रीडम को वैल्यू दिया। एंड सी लाइक हर आईवी बेड, ब्लू स्काई एंड ग्रीन फॉरेस्ट, और वो खुद से बोली कि मुझे बहुत पसंद है आईवी बेड, ब्लू स्काई एंड ग्रीन फॉरेस्ट मोर देन माई प्रीसियस थिंग। इस कीमती चीज़ों से मुझे उसे पसंद था उसका अपना आईवी बेड, ब्लू स्काई एंड ग्रीन फॉरेस्ट। सी ऑल्सो टॉट मी अ वैल्यूएबल लेसन, उस बर्ड ने मुझे सिखाया एक बहुत अच्छा लेसन, फ्रीडम इज प्रीसियस दैट वी शुड नॉट ट्रेड इट विद मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट। फ्रीडम बहुत कीमती है और इसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए भौतिक, इट इज़ मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट से। डू राइट वॉट यू थिंक अबाउट इट, आप मुझे ज़रूर लिखिए आप क्या सोचते हो। योर्स लविंगली, आप अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर अंजलि। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू फॉर ऑल।